नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं न्यूज बेग। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, 31 दिसंबर को नववर्ष मनाने की संस्कृति हमारी नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। 31 दिसंबर की शाम को प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया है कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाने की संस्कृति हमारे देश की नहीं है। इससे पहले भी कुछ दिनों पूर्व ही प्रज्ञा ठाकुर अपने घरों में चाकू रखने वाले विवादित बयान को लेकर चर्चा में आई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखने की सलाह दी थी। इस पर प्रज्ञा ने कहा है कि मैं युद्ध में प्रेम के गीत गाना नहीं जानती और ना ही कभी गाऊंगी। आइए, प्रज्ञा का यह बयान आपको उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। आप देखिए, कितना धुआं, कितनी बारूद, कितना दारू पी करके लोग रात भर नाचते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर दीपावली पे फटाके छोड़ने की बात आती है, दीपावली पर प्रसन्नता का वातावरण बनता है, तो पहले से ही नियम कानून लागू होने लगते हैं। विधर्मी लोग कहने लगते हैं, फटाके मत चलाइए, प्रदूषण होता है। मैंने तो मातृशक्ति को, उन लड़कियों को जिनका अपहरण घर से उठा करके उनको ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं, उनको उनका मान मर्दन करते हैं, उनको अपहरण करके काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, हम हमारे घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। प्रज्ञा ने साथ ही यह भी कहा कि उनके बयान से लफ्ज जिहाद चलाने वाले लोगों को एजेंडा फेल हुआ है। देखिए लफ्ज जिहाद के एजेंडा फेल होने वाली बात पर क्या बोली प्रज्ञा ठाकुर। हमारी माताएं, हमारी लड़कियां असुरक्षित हैं, किस बात पर? लफ्ज जिहाद के लिए। मैं पहले भी बोली हूँ, भोपाल में बोली हूँ मैं इस बात के लिए कि लफ्ज जिहाद जो चल रहा है, तो जो लफ्ज जिहाद चला रहे हैं उनका जो एजेंडा है वो फेल हुआ है, इसलिए ये लोग पीड़ित हैं। और कर्नाटक में मैं गई थी, मैं युद्ध में प्रेम के गीत नहीं गाती हूँ वरना गाऊंगी। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि वह समाज को मार्गदर्शन देंगी, वह सांसद है इसलिए समाज को संरक्षण देंगी और समाज में महिलाओं और लड़कियों को संरक्षण देंगी, और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताने वालों को संवैधानिक कार्रवाई भी करेंगी। हम आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर के बीते बयान पर शिवमोगा जिला कमेटी के HS सुंदरेश ने इसकी शिकायत की थी और सांसद प्रज्ञा पर भड़काऊ बयान देने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि पुलिस अगर इस मामले को नज़रअंदाज करती है तो यह इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। दरअसल पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी हथियार को लेकर बयान दे चुकी हैं। मंत्री उषा ने 24 दिसंबर को भोपाल में कहा था कि हमें शस्त्र लाइसेंस लेना ज़रूरी है, भले ही हम शस्त्रों का गलत उपयोग ना करें लेकिन हमारे पास शस्त्र होना ज़रूरी है। हम आप सभी से ये पूछना चाहेंगे कि नेताओं का ये भड़कीले बयान देना किस हद तक उचित है और किस हद तक नहीं, क्योंकि अगर देश के नेता केवल भड़काऊ बयान देने और उसके जवाब देने में ही लगे रहे तो आखिर देश का भविष्य क्या होगा। हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ बेग को। धन्यवाद।